एनिमल की सुपर सक्सेस के बाद से रणबीर कपूर का नाम भी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गया है। और जब से रणबीर कपूर पापा बने हैं तब से हर कोई उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी अपडेट्स जानना चाहता है। उनकी वाइफ आलिया भट्ट ने भी कई मौकों पर बताया है कि रणबीर एक डॉटिंग फादर है और वो राह को लेकर काफी पोसेसिव भी हैं। अभी हाल ही में रणबीर कपूर को महाराष्ट्र ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इस दौरान रणबीर कपूर ने सबको बताया कि वो अपनी इंस्पिरेशन किसे मानते हैं और क्यों। तो आपको बता दें कि रणबीर कपूर ने अपनी इंस्पिरेशन बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी को बताया है। अवार्ड मिलने के बाद रणबीर कपूर ने अपनी सक्सेस का मंत्र बताते हुए कहा कि वो बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और ये भी कहा कि उन्होंने मुकेश अंबानी से काफी कुछ सीखा है। रणबीर कपूर ने कहा, मैं बहुत छोटी और सिंपल बात रखूंगा, मेरी जिंदगी के तीन सिंपल लक्ष्य हैं, तीन स्तंभ है। पहला कि अच्छा काम करो, बड़ी विनम्रता से काम करो। मुकेश भाई से मैंने बहुत प्रेरणा ली है, वो हमेशा सिर नीचे करके अपना काम लगातार करते रहते हैं। आगे रणबीर कपूर ने कहा कि अपनी सफलता को सिर पर मत चढ़ाओ और विफलता को दिल से मत लगाओ। रणबीर कपूर ने अपनी स्पीच कंटिन्यू करते हुए आगे कहा, दूसरा अच्छा इंसान बनो, एक अच्छा बेटा, अच्छा बाप, अच्छा पति, अच्छा भाई, अच्छा दोस्त और सबसे सबसे जरूरी एक अच्छा नागरिक बनो। मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक मुंबई वाला हूं और ऐसे सम्मान मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। वैसे यहां सभी ने कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया था कि रणबीर कपूर फिल्म इंडस्ट्री से किसी न किसी का नाम लेंगे, जैसे अमिताभ बच्चन, उनके खुद के पिता ऋषि कपूर या शशि कपूर जैसे कई बड़े नाम। लेकिन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की इस तरह से तारीफ करके रणबीर कपूर ने सभी को हैरान कर दिया। वैसे आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी रणबीर कपूर के काफी क्लोज फ्रेंड हैं। वहीं कपूर फैमिली और अंबानी फैमिली सालों से अच्छे फैमिली फ्रेंड्स भी रहे हैं। खैर, अब आप बताएं रणबीर कपूर की स्पीच पर आपका क्या कहना है। और इसी तरह से हर एंटरटेनमेंट अपडेट के लिए आप देखते रहिए ENT Live।